नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। भारतीय कॉरपोरेट जगत मुखर होने से हमेशा करता रहा है परहेज। इसके संपादक हैं श्यामल मजूमदार। राहुल बजाज की टिप्पणी के बाद उथल पुथल सी मच गई। पिछले दिनों बजाज ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत का उद्योग जगत सरकार की आलोचना करने से डरता है। इस बयान के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया और सबसे अपरिपक्व बयान सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की तरफ से आए। इन मंत्रियों में बजाज पर अनर्गल बात करने और मोदी सरकार के दामन पर कीचड़ उछालने का आरोप लगाया गया। एक मंत्री ने कहा कि ऐसे बयानों से राष्ट्रहित को नुकसान पहुंचता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने तो बजाज को उनकी राजनीतिक निष्ठा खुलकर प्रकट करने और भय तथा अविश्वास जैसे शब्दों की ढाल उतारने की नसीहत थमा दी। सरकार के मंत्रियों और भाजपा नेताओं की कटु प्रतिक्रियाओं की एक वजह यह भी है कि बजाज ने यह बात अमित शाह जैसे ताकतवर नेता की उपस्थिति में कही थी। दूसरी तरफ स्वयं शाह प्रतिक्रिया काफ़ी सधी रही, इसके लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए। निष्ठा का प्रदर्शन अच्छी बात है, लेकिन क्या इसका प्रकटीकरण सदैव जरूरी होता है? अगर बजाज के बयान के बाद थोड़ी भी सूझबूझ का परिचय दिया गया होता तो सरकार के मंत्री और भाजपा नेता यह बाखूबी समझ जाते कि भारत में हर एक सरकार को ऐसे सत्य या मिथ्या आरोपों से रूबरू होना पड़ा। इस पूरे मामले पर हड़बड़ाहट में प्रतिक्रियाओं देने से पहले उन्हें आपस में इस बात पर विचार करना चाहिए था कि देश में उद्योग एवं अफसरशाही में किस तरह सुधार किए जा सकते हैं। वैसे भी यह सरकार दूसरी सरकारों से अपनी छवि अलग होने का दावा करती है रही है। दूसरी तरफ अगर बजाज अगर इतिहास के पन्ने पलटे तो वह यह महसूस करेंगे कि देश में भय का माहौल या विश्वास का अभाव कोई नई बात नहीं है। पिछले कई वर्षों से देश का उद्योग जगत तत्कालीन सरकारों की आलोचना करने की जहमत नहीं उठा पाया, इसलिए केवल मौजूदा सरकार पर दोष मढ़ना शायद तर्कसंगत नहीं माना जाएगा। राजीव गांधी सरकार में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री थे तो तब क्या हालत थी? काले धन का पता लगाने के लिए सिंह ने उस समय देश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों के खिलाफ जांच एवं छापेमारी करने के आदेश दिए थे। जांच एजेंसियों के कर्मी उस समय एक दिग्गज उद्योगपति SL किर्लोस्कर के घर आधी रात पहुंच गए। यह बर्ताव कुछ ऐसा ही था जैसा तुच्छ अपराधियों के खिलाफ होता है। उस समय देश के उद्योग जगत में सरकार के विद्रोह के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला शायद ही कोई था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अगले दिन कहा कि देश में आर्थिक भागीदारी के बीच भय एवं भरोसे की कमी से आर्थिक विकास थम गया। यह वक्तव्य सही हो जा सकता है, लेकिन यही आरोप संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार पर भी लगाए जा सकते हैं। बजाज उस समय भी अपनी आवाज़ उठा सकते थे, लेकिन उद्योग जगत के ज़्यादातर लोग परोक्ष में ही कानाफूसी करते रहे और कोई भी बात अपनी बात दमदार तरीके से रखने के लिए आगे नहीं आया। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI जैसी एजेंसियों को कई बार सर्वोच्च न्यायालय की फटकार झेलनी पड़ी। इन एजेंसियों पर अक्सर सत्ता में मौजूद लोगों के इशारे पर काम करने या अपने कार्य के निष्पादन में गंभीरता नहीं बरतने के आरोप लगते रहे। एक के बाद एक सरकार पर अपने राजनीतिक विरोधियों, कुछ मामलों में अपने सहयोगियों, कुछ खास अधिकारियों एवं उद्योगपतियों की जानबूझकर परेशान किए जाने के आरोप लगते रहे। एक बार राज्यसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने कहा था कि कानून निर्माताओं CBI और विधि अधिकारियों के आपसी संबंध साप्रग
सरकार के दौरान न्याय के लिए एक त्रासदी साबित हुआ। जब YS राजशेखर रेड्डी का कांग्रेस में रुतबा था तो CBI ने उनके भ्रष्टाचार के बाद भी आंखें मूंद ली थी। इसके बाद YS जगनमोहन रेड्डी ने कांग्रेस से जब नाता तोड़ा तो सरकार ने CBI को उनके पीछे छोड़ दिया। इसके बाद हुई ये घटना ने एक बार फिर बहस छिड़ी। CBI ने विदेश से अवैध रूप से कार आयात करने के मामले में द्रमुक नेता M.K. स्टालिन के घर छापा मारा था। यह छापेमारी तब हुई जब द्रमुक सापरंग सरकार से बाहर हो गई। आखिर सापरंग सरकार के कार्यकाल में भी ही CBI पर पिंजरे का तोता होने का तमगा लगा था। वर्ष 2013 में न्यायमूर्ति V.M. लोढ़ा ने कोयला खदान आवंटन मामले की जांच में CBI के कामकाज में दखल देने के लिए तत्कालीन कानून मंत्री की जमकर खिंचाई की। न्यायालय ने पाया कि CBI की रिपोर्ट में मुख्य बातें पलट दी थी जो सीधे तौर पर सरकार को राहत पहुंचा रही थी। न्यायालय की कड़ी टिप्पणी के बाद कानून मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। नैतिकता का राग अलापने वाली कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार में CBI ने कोयला खदान आवंटन मामले में उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला और कम से कम 2 पूर्व कोयला सचिवों के खिलाफ मामले दर्ज किए थे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के पूर्व प्रमुख CB भावे को भी परेशानी का सामना करना पड़ा जब CBI ने कहा कि वह स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए MCX का आवेदन मंजूर करने के मामले में उनकी भूमिका की जांच कर रहा है। CBI ने 2006 से 2009 के बीच कोयला सचिव रहे H.C. गुप्ता के खिलाफ भी जांच शुरू की थी। गुप्ता बाद में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य बन गए। CBI को उनकी जांच के लिए कंपनी मामलों के मंत्रालय से अनुमति मांगनी पड़ी। गुप्ता को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यह परंपरा जारी है। हालांकि अपनी बात रखने वाले या किसी विषय पर आवाज़ उठाने वाले वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। इससे इतर राह पर चलकर ही स्वच्छ सरकार एवं प्रशासन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। चलिए, तो ये था एक महत्वपूर्ण आर्टिकल।